So this is the menu for dogs. So this is how my face is looking right now. It's a little red. My doctor has given me a ball to play with. Ow. I can't see my blood. Hello everyone, this is Krisha Mukherjee and welcome back to my channel. So today I am going to some clinic. They invited me and they wanted to do a collaboration with me. So I am going there. Ab mujhe ye samajh mein nahi aa raha ki wahan ja ke main karwaun kya, main micro needling karwaun for my pores aur main wahan pe ja ke hydrafacial karwaun. So doctor needs, I mean she knows better. तो आई थिंक डॉक्टर ये बताएगी कि मुझे क्या करवाना चाहिए, मेरी स्किन को क्या ज़रूरत है, अभी हाइड्रेशन की ज़रूरत है या फिर मेरे पोर्स को ठीक करने की ज़रूरत है. सो यस लेट्स सी. सो वहाँ जाते हैं एंड डॉक्टर से सजेशन लेते हैं कि डॉक्टर क्या कहती है. सो गाइस दिस इज डॉक्टर माधवी एंड शी इज गोना टेल मी, शी इज गोना सजेस्ट मी कि व्हाट शुड आई डू फॉर माय पोर्स. यस डॉक्टर. सो कृष्णा, पोर्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं. ठीक है, नेचुरल ओपनिंग्स होती है स्वेट ग्लैंड्स की. जो स्कार्स होते हैं वो बिकॉज ऑफ सम इंजरी, जैसे एक्ने आके गए हैं या आपको कोई स्क्रैच हुआ है, उससे आपको स्कार्स होते हैं, मतलब जो पिट्स हो जाते हैं उसकी वजह से. सो उसे हम स्कार्स बोलते हैं. अब देखा जाए तो थोड़े बहुत पोर्स तो नेचुरल होता है, उसके लिए ट्रीटमेंट लेना है नहीं लेना है कोई फर्क नहीं पड़ता. बट जो स्कार्स होते हैं ना उसमें एक्चुअली क्या होता है कि फाइब्रोसिस हो जाता है. सुपरफिशियल स्किन नीचे के स्किन के टिश्यू को अटैच हो जाती है और वो फाइबर्स हमें तोड़ने पड़ते हैं. ओके. सो एक तो सब्सीजन हम कर सकते हैं, माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं. माइक्रो नीडलिंग के साथ में पीआरपी भी कर सकते हैं एडिशनल, अगर अच्छा इफेक्ट चाहिए. Yes, we take your blood sample, we process it, we separate the red blood cell and the plasma. Okay. And we use this plasma on the skin. Okay. क्योंकि उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और आपका आपको जो कोलेजन को बढ़ाता है तुम्हारे स्किन. ठीक है. See, acne is a different concern. Because of acne you are getting scars. Okay. ठीक है. अब acne आपके hormonal changes के कारण हो रहे हैं या कुछ और आपको प्रॉब्लम है, थायराइड है या पीसीओडी है, व्हाटएवर हार्मोनल फ्लक्चुएशन इज गोइंग ऑन उसकी वजह से हो रहा है, वो पॉजिटिव फैक्टर ट्रीट करना पड़ेगा ना एक्ने के लिए. ये करने से एक्ने डेफिनेटली नहीं होंगे. इनफैक्ट एक्ने के मार्क्स या स्कार्स जो है वो डेफिनेटली रिड्यूस तो होंगे ही. आपको इसका फायदा ही होगा. And guys, like doctor said, it is not very expensive. If you have open pores, then go for this. Yeah. Thanks, so let's go. So now we're gonna click before and after photos so that last session tak everybody can see the difference. You can see the pores. Yep. Now she will remove my makeup. Hi. Hi. She will remove my makeup. And by the way, hi Neha. Hi. How are you? Good, good. Meeting you after ages. I know. After a long time. Yeah. And I'm just gonna remove my makeup. ठीक है. Okay. And then after that हम लोग क्या करेंगे? PRP. PRP करेंगे. हम numbing लगाएंगे. पहले numbing करेंगे. And then we'll do PRP. Yeah. This procedure is little painful, but not very much. So guys, we have Neha with you. Hello. मैं पहले भी आप लोगों को मिलवा चुकी हूँ. And Neha just told me something which is very beautiful. She is taking care of 300 to 400 dogs and cats. She feeds them every day. हर रोज उनको खाना खिलाती है.
एंड शी इज़ नॉट टेकिंग एनीबडीज हेल्प. वो खुद से अपने जो भी उसकी यू नो विच वट एवर शी अर्न्स वो उससे ही उन कुत्तों को और बिल्लियों को खिलाती हैं. सो इफ़ यू कैन हेल्प हर प्लीज डू बिकॉज नेहा इज़ योर विद अस एंड नेहा आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू आर डूइंग अ वेरी गुड थिंग एंड सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू. सो सो आई विल डेफिनेटली टेल एवरी वन माई सेल्फ माई फ्रेंड्स जिनको भी बोल सकते हैं. इनफैक्ट यू गाइज आर माई फैमिली. सो आई विल यू नो ऑन माई डिस्क्रिप्शन आई विल गिव यू गाइज हर नंबर. सो कॉन्टैक्ट हर इफ यू वॉन्ट टू हेल्प हर. छोटा सा हो बड़ा हो जैसे भी हो आपकी पॉकेट अलाउ करती है जस्ट हेल्प. ओके सो दिस इज माई स्किन राइट नाउ. You will see after कैसा होता है. Before and after I can't smile. It's like I've done Botox. So this is plasma. Okay. Which looks like a serum. Okay. But we have removed the red blood cells. Okay. And doctor has given me a ball to play with. Ow. You have good pain threshold. So this is the derma roller. So this is how my face is looking right now. It's a little red. It was a little painful, not very. But yes, my skin is gonna thank me later. Can't move my face much. The face pe kya lagaya aapne? Soframycin. So she cleaned my face and now putting soframycin. And for 2 days, no retinoil. No, actually, for 3-4 days, no retinoil, no vitamin C, no niacinamide, nothing. Only soframycin and sunscreen, kalse. Kalse mein sirf sunscreen aur moisturizer laga sakti hu. And aaj raat ko pani ke saath dho sakti hu na sirf. Pani ke saath dho ke soframycin lagana hai. Yeah. You all set? Yeah. Thank you. I look like a monkey right now. It's like a natural blush on I have. So मैं कल फेस वॉश कर सकती हूँ. आज मैं अपना फेस वॉश नहीं कर सकती. एंड फेस सिर्फ डैप 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 साफ करना है. टॉवल से मैं साफ नहीं कर सकती. आई हैव टू यूज़ टिश्यूज. एंड उसके बाद कल से फेस वॉश यूज़ कर सकती हूँ बट माइल्ड वन. नहीं भी फेस वॉश यूज़ करूँ वो भी चलेगा. सिर्फ सनस्क्रीन लगाना है लाइक आई टोल्ड यू गाइस पहले भी. एंड मॉइस्चराइजर सोफ्रोमाइसिन भी लगा सकते हो. आई थिंक मैं मॉइस्चराइजर नहीं लगाऊंगी सिर्फ सोफ्रोमाइसिन यूज करूंगी. सो कैप्टन इज गोइंग टू ओ माय डॉग डॉग्स कैफे फॉर द फर्स्ट टाइम. फ्रेंची ओए लुक एट दिस वन कम. इट्स सो नाइस एंड विंडी टुडे. ए यू कैन गेट कैप्टन दैट स्टैच्यू स्पेस कैप्टन. So we have to remove our shoes here to go inside. Let's go, Captain! Let's go! Captain! Let's go, let's go, let's go! Come! Can we see all this first? Let's go inside. Come. Okay, here's Tom. See? Yep. Oh my god. Hey, got a cocker spaniel. The captain is scared. Woh hi bola na iske kitne patenge dekhte hain. Why are you so scared? So this is the menu for dogs in America.
So this is what we ordered, aglio olio. Looks little different, but I hope khane mein sahi. Masala Maggi. I know. You can eat, okay? It is the pasta also. Come. Hi, Babu. Hi, Babuji. It's okay. ये फाइल कर दोगे ना? Good boy. What do you want to eat, Dilu? Oh, looks so good. Delicious. What do you want to have? I've tried Cookie Monster. Yeah, it's a monster only. I'm having this one. Hello everyone. So finally I'm back home and I'm not supposed to touch my face. Doctor ne bola hai. Bas aadat hai wo face touch karne ki, but please, if you have acne, active acne on your face, don't touch your face. Anyway, जैसे कि मैंने बोला था, I'm not supposed to wash my face, तो मुझे बहुत irritation हो रही है, but it's okay. अगर if I wash my face with a face wash और ऐसे ही मैंने wash किया, तो जितना मतलब फ़र्क पड़ना चाहिए उतना नहीं पड़ेगा. तो इसलिए डॉक्टर की बात सुनते हैं और फेस वॉश नहीं करते हैं. एनीवे, मैंने एक्चुअली दो साल पहले ये अपना सेशन लिए थे. कुछ मैंने सिटिंग्स ली थी इसके माइक्रो नीडलिंग एंड डर्मा रोलर के, कुछ मैंने सेशंस लिए थे एंड इट रियली वर्क फॉर मी. मेरे बहुत बड़े बड़े पोर्स थे और मैं इतनी ज़्यादा कॉन्शियस रहती थी. मुझे ऐसा लगता था कि लोग सिर्फ मेरे पोर्स को देख रहे हैं. आई नेवर यूज्ड टू फील गुड एंड कॉन्फिडेंटली फील होता था मुझे. बट ठीक है, आई हैव चेंज एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ जो मैं आज हूँ. सो एनीवे, मेरा आज पहला सेशन था, पहली सीटिंग थी एंड अभी 5 सीटिंग बाकी है. एंड आई एम श्योर कि 6 सीटिंग के बाद मेरी स्किन एकदम मस्त, एकदम ग्लो करेगी एंड मेरे पोर्स जो हैं वो बहुत कम भी हो जाएंगे. क्योंकि पहले जब मैंने किया था तो बहुत फ़र्क पड़ा था. अब मैं कंटिन्यूसली जब करूँगी, आई थिंक बोला था डॉक्टर ने कि 3-4 वीक्स के बीच बीच में करना चाहिए. तो वेन एवर शी विल कॉल मी अगेन, आई गो गेट इट डन एंड यू गाइस सी, यू विल सी द डिफरेंस. क्योंकि मैंने वीडियो में पहला दिखाया है कि पहली सिटिंग में मेरी फेस की हालत ऐसी थी एंड लास्ट सिटिंग में भी आपको दिखाऊंगी. सो आई विल मेक अनदर व्लॉग फॉर दिस जिसमें सिर्फ मैं अपना ट्रांजिशन दिखाऊंगी और मे बी अ शॉर्ट. एनीवे, आई एम हैविंग माय डिनर. मैं सैलड खा रही हूँ, वॉचिंग अ मूवी, Only You, it's an old classic movie. Thank God, मुझे एक 12 घंटे के लिए हाउस हेल्प मिल गई है एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक गॉड, क्योंकि आई वॉज मेंटली फिजिकली फाइटिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं. आई एम टेकिंग थेरेपीज ऑल्सो एंड आई वॉज इन टू डिप्रेशन. आई स्टिल एम, बट ठीक है, आई एम फाइटिंग विद इट एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. तो मुझे कोई चाहिए था जो यू नो मेरे खाने पीने का ध्यान रखे, जो मेरा ध्यान रखे थोड़ा, यू नो. एंड शी इज़ वेरी स्वीट, आई विल मेक यू गाइस मीट. हर नेम इज़ संजू. आई नो नाम उनका थोड़ा लड़कों जैसा है, बट शी इज़ वेरी 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 स्वीट. तो मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी. सो आई हैव माई डिनर, वॉच दिस मूवी एंड स्लीप अर्ली बिकॉज कल सुबह मुझे जल्दी उठना है बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ कमिंग. एंड वो किस लिए आ रही है वो मैं आपको बात बताऊँगी. ओके,